Hello everyone, I'm Som Dahiya. Once again I'm here with a new video. So ये English speaking की basic से English सिखाने की series का day 2 है. तो first day में आपने सीखा बिल्कुल basic से I, V, U, दे सभी subjects के बारे में सीखा. तो आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा subjects के बारे में बात करेंगे. singular, plural subjects क्या होते हैं और कौन कौन से subjects होते हैं. तो चलिए singular subjects की बात कर लेते हैं. I, he, she, it, any name, ये सारे singular subjects होते हैं, ठीक है. और plural subjects की बात करें तो we, you, they, these, those, etc. पिछले वीडियो में आपने ही शी इट इनके मीनिंग्स तो पढ़ी लिए, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलते हैं कि ही शी इट इनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होने वाली हैं. आई वी यू दे इनको इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है. तो चलिए एक बार और देख लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं. तो जैसे इज, वाज, डज, हैज़ बीन, ये सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आती हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगी. प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वर, हैव, डू, हैव बीन, ये सारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं. और कुछ होती है न्यूट्रल हेल्पिंग वर्ब. न्यूट्रल हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होती हैं, जैसे डिड है, हैड है, विल, विल बी, विल हैव बीन, ये सारी क्या हैं प्लूरल न्यूट्रल हेल्पिंग वर्ब हैं. आप किसी के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ. जैसे आप मोटे तौर पे आप ऐसे याद रख सकते हो कि आई के साथ एम आएगा, सी के साथ इज आएगा. ऐसे मैं एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. चलिए देख लेते हैं. तो आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, दे के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है और यू के साथ आर आता है, ठीक है. ऐसे ही यदि बात करूँ मैं पास्ट में, तो आई के साथ वो जाता है, ही के साथ वो जाता है, सी के साथ वो जाता है, इट के साथ वो जाता है, यू वर, वी वर और दे वर, इनको याद कर लेना. चलिए कुछ सेंटेंसेस से हम इनको समझ लेते हैं. आई एम राम, मैं राम हूँ. ही इज शिवम, वह शिवम है. सी इज रीमा, तो सी के साथ इज आता है, वह रीमा है. दे आर बॉयज, वे लड़के हैं. वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं. You are right, आप सही हो. These are grapes, ये अंगूर हैं. Those are flowers, वो फूल हैं. I was at home, मैं घर पर था. He was at home, वह घर पर था. और she was at home भी हो सकता था कि वह घर पर थी. She was ill, वह बीमार थी. We were sitting, हम बैठे थे. You were sleeping, आप सो रहे थे. They were playing, वे खेल रहे थे. ऐसे यदि क्रिकेट वगैरह का जिक्र करना है, they were playing cricket, ठीक है. Ram and Shyam were fighting, तो राम और श्याम दो हैं इसलिए were used हुआ, राम और श्याम लड़ रहे थे. He and you were talking. He and you दो सब्जेक्ट हो गए, तो वह और आप बातें कर रहे थे. We are playing, हम खेल रहे हैं. ऐसे यदि पास्ट में इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं We were playing, हम खेल रहे थे. तो we के साथ प्रेजेंट में are और पास्ट में were यूज होता है. I am using phone, मैं फ़ोन चला रहा हूँ. ऐसे यदि मैं पास्ट में बात करूं तो आई वॉज यूजिंग फ़ोन, मैं फ़ोन चला रहा था. तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में एम और पास्ट में वॉज यूज होता है. सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है. ऐसे यदि हम बात करें पास्ट में तो सी वॉज राइटिंग हो जाएगा, वह लिख रही थी. तो आप नोटिस कर लेना कि प्रेजेंट में इज़ और पास्ट में वॉज यूज हो रहा है. तो ये थी डे टू की मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाने की. तो ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा. आप इन वीडियोस पे अपने कमेंट दे करके मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे सीख पा रहे हैं, और कुछ रहता तो भी मुझे कमेंट करके.